कोई स्पेसिफिक कमल ऐसा नहीं नहीं दसो दिखता कि है। तुहाडी संस्था काफी सालों तो संगरूर एरिया च कम कर रही है, किस तरह का कम कर रही है? असी कई चीज़ों पर अलकोहल दी कई चीज़ों पर कम किया। सब तो पहला इनिशियली असी 2007 किया कि अंडर एज ड्रिंकिंग, क्यों जो पंजाब एक्साइज एक्ट कहिंदा चाहे वह अज लॉ की कोई ज़्यादा इन्नी अहमियत नहीं है, वह कहिंदा कि 25 साल तो छोटे बंदे नूं शराब नहीं बेची जा सकती। 25 साल तो छोटे छोटे बंदे शराब नहीं बेच सकते। असी इनिशियली एक मिनट तुसी बड़ी वड्डी गल करती है। अरे बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेप नहीं है जे बंदा शायद शादी कराउण दी एज 21 साल है ते शराब पीण दी उम्र 25 साल करती तुसी। नहीं, असी कानून जो बनाया वो सोच सोच के बनाया होगा। इट्स नॉट ए न्यू एक्ट, इट्स 1914 एक्ट। बट व्हाट इज द लॉजिक फॉर दिस? लॉजिक ये है कि 25 साल टू डिस्करेज द शराब कंजम्पशन। बट इनू तुसी एनफोर्स करने लई की कर रहे? एनफोर्स करने लई असी रेगुलरली चेकिंग्स भी करते हैं और लोगों को भी असी जितने भी एक्साइज का इश्तिहार निकाल दें उस दे विच नीचे कैप्शन भी लिख दें असी 25 साल के कट बंदे नूं तुसी शराब ना बेचो। डॉक्टर सराह तुसी जदों बठिंडे दे विच या उस एरिया काम कर रहे सी उत्थे होर भी पुलिस अफसर ने काफ़ी काम किया, जतिंदर जैन वो शायद हुण इस वेले आई जी ने, उन्होंने कुछ पिंड भी अपना ले सी नशाखोरी दे इस मुहिम दे खिलाफ। उन्होंने दो पिंड अपनाए जी। पहला उन्होंने वहमन दवाना पिंड अपनाया, तुसी नाल एसोसिएटेड रहे, किदां दा एक्सपीरियंस सी? बड़ा वधिया एक्सपीरियंस सी जी। लोगों में यूजली असी देखिया आम बंदा कैंप लाया जी, एक दिन गए उत्थे थोड़े जे लैक्चर दिते तो कहता भी मैं नशा छुड़ाने लई बहुत कुछ कर रहा। पर उन्होंने एक पिंड अडोप्ट किया, उन्होंने एम सी भी इस पिंड तो मैं जिन्ना घट तो घट नशा कर घटा सकता मैं घटाना। सो उन्होंने एक साल वो पिंड अडोप्ट किया। उन्होंने साढ़े जोड़े बठिंडे 8 साइकैट्रिस्ट सके जो डॉक्टर जिमें मैं सानू उन्होंने नाल इनवॉल्व करके उन्होंने कहा भी आप ट्वाइस अ वीक तुम मैं कमिटमेंट दो, ट्वाइस अ वीक तुम उत्थे उस पिंड जाना। असी जाते मंडे ते वैनसडे शायद असी उत्थे संडे ते वैनसडे सैटरडे ते वैनसडे असी उत्थे जांदे सी ते उत्थे जाके जिहड़े पेशेंट्स उन्हां दे जिहड़ा पिंड दा क्लब सी उह जिहड़ा उत्थे लोग सीगे पिंड दे जिहड़े उन्होंने आइडेंटिफाई कीते वी साढ़े पिंड च नशा करदे ने उन्हां नूं उह मोटीवेट करके लैके आउंदे सी। फिर उस तों बाद जैन साहब ने जिवें उत्थे आईटीआई सी जां होर सी जां बैंक्स वगैरह सी उन्हां नूं कह के मोटीवेट करके जिहड़े उन्हां नूं लग्गिया भी होणा 6-7 महीनिआं बाद ठीक चल रहे ने। पर डॉक्टर सराह इह दस्सो भी जतिंदर जैन ने बहुत काम किया, चहल साहब ने काफ़ी काम किया, वेनू प्रसाद जी जो भी डिप्टी कमिश्नर से फरीदकोट इन्हें भी बहुत काम किया, फिर भी मालवे के फिर भी नशाखोरी क्यों ज़्यादा? सर वो मैं एक तो समझदा मेन रीजन तो अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा, मे बी उस एरिए लोकेशन यहोजी है, स्टेट्स जो नेबरिंग स्टेट्स ने उतों काफ़ी इनफ्लो हो जाता ड्रग्स का जिमें पोस्ट जा। ये दसना चाहते एक मिनट इंटरवेंशन करना चाहते, ये बेसिकली जो गल कर रहे हैं ये अल्कोहलिक ड्रग अब्यूज़ नहीं है, ये सिंथेटिक ड्रग्स के बारे ज़्यादा गल कर रहे हैं। सिंथेटिक ड्रग्स हो गया, ओपीएम हो गया, इस तरह का एज फार एज आवर डिपार्टमेंट इज कंसर्न इस तरह का कोई ये नहीं है। ओके विनू प्रसाद जी, जी तुसी गल की थी कि धारा 40 के तहत पंचायती राज एक्ट के पंचायत रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं कि उत्थे शराब का ठेका नहीं चाहते हो, पिछले साल इस तरह की कितनी रेजोल्यूशन आई हैं को सारे पंजाब दे विच? मैं दसना चाहना लगभग वी हैव 12,000 पंचायत सन और 200-300 मुंसिपल कमेटी सन, उस दे विच्चों सानू 70 पंचायतों तो साढ़े कोल रेजोल्यूशनस आ चुके हैं। उस दे विच असी 32 रेजोल्यूशनस असी एक्सेप्ट किया, एज ए रिजल्ट उत्ते वेंड क्लोजर दा असी ऑर्डर पास किया ऑलरेडी, एंड एज ए रिजल्ट इस करंट ईयर दे विच असी उत्ते वेंड भी नहीं खोलिया। उस दे अलावा पब्लिक दे सेंटीमेंट नू देखते हुए मैं 10 पिंडा विच ये भी आर्डर किया उन्होंने शिफ्ट किया जाए, एग्जिस्टिंग लोकेशन तो शिफ्ट किया जाए इन कंसल्टेशन विद दी पंचायत मेंबर्स। ये भी पर 70 दे चो सिर्फ 32 तुसी क्यों रेजोल्यूशंस मनिया, बाकी क्यों नहीं मनिया? उस सारे एक्ट दे विच दो चीज़ है, एक टाइम फ्रेम प्रिस्क्राइब किया, जो भी रेजोल्यूशन है सपोज 2012-13 का करना है उस दे विच ये है कि अप्रैल 1 से लेके सितंबर 30 तक रेजोल्यूशन पास होना बहुत जरूरी है, एक तो टाइम फ्रेम प्रिस्क्राइब्ड है। सो कुछ पंचायतों ने उस टाइम फ्रेम दे विच रिजोल्यूशन पास नहीं किया, एज ए रिजल्ट इट इज़ बाइंडिंग ऑन मी टू रिजेक्ट इट, दैट इज़ फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग एक एक्ट दे विच पंचायती राज एक्ट दे विच ये भी राइडर पाया पिछले 2 साल दे विच कोई भी उस पिंड दे विच इलिसिट डिस्टिलेशन दा और स्मगलिंग दा और एक्साइज एक्ट दा कोई भी क्राइम होंदे हैं उस पिंड दे विच क्लोजर ऑर्डर नहीं कर सकते हैं असी। पर जे कोई शराब दा ठेकेदार आप ही उस पिंड दे विच इहो जिहा जाके क्राइम कर दे तो उन्हों किवें रोकोगे? वो आज दे दिन ये पॉसिबल नहीं है, मैं तो यही कह रहा हूँ, क्योंकि द सिस्टम है हर एक साल असी लिकर वेंड नूं असी ऑक्शन करते हैं और अलॉटमेंट करते हैं, लॉटरी दे विच करते हैं,
अगले साल किस नूं टेके मिलना है वह कोई गारंटी ही नहीं है उस दे विच कोई ठेकेदार और सारा महकमा नहीं कर देगा दूजा पुलिस महकमा कर देगा विनु प्रसाद जी बहुत प्रोसीजरल इश्यूज है जिन्हां करके रेजोल्यूशंस रिजेक्ट हो जांदी हैं तो व्हाई डोंट यू गो इनटू द लेटर एंड स्पिरिट ऑफ इट सिंपल सिंपल जी गल असी ये कह रहे हैं लेटर एंड स्पिरिट बिल्कुल एग्जामिन कर दें असी असी ये कहंदे विलेजर्स नु भी यही कहंदे इस साल तुसी रेजोल्यूशन पास किया थोड़ा लेट हो गया कोई गल नहीं असि तुसी अगले साल टाइम सिरे पास करो फिर असी एग्जाम पर उन्होंने कहो कि दोबारा पास कर दो उसे साल ये तुहाडे हाथ च ही है तुसी एक्सेप्ट कर सकदे ओ प्रोसीजर है ना सितंबर दे बाद फिर नेक्स्ट ईयर दे विच आ जांदे जून जुलाई कमल ये जिहड़ा दो साल दी जिहड़ा क्लॉज आ ये हटना चाहिए हटना दी की है जदों कानून बनाए जांदे इंटेंशंस बड़ियां अच्छियां हुंदियां पर जदों उहदी इंप्लीमेंटेशन हुंदी है बड़ी बुरी तरह हुंदी है मेरे कोल एक लाइव एग्जाम्पल है चट्ठा ननेहड़ा विलेज है संगरूर डिस्ट्रिक्ट दे विच तां उत्थे सिर्फ 9 बॉटल्स एक बंदे कोल पकड़ियां गईयां एंड देयर रेजोल्यूशन हैज बीन रिजेक्टेड तां मतलब 9 बोतलां एक बंदे तों पकड़ियां जांदियां कैन वी टर्म इट एज स्मगलिंग और एक पूरी पंचायत ने हो सकदा है 9 बोतलां ठेके दियां होण एग्जैक्टली और 2/3 मेजोरिटी मतलब डेमोक्रेसी तो मन लगता है तो बुरा मजाक नहीं बन सकता कि 2/3 मेजोरिटी मतलब सारा पिंड कह रहा है तुसी भी इस पिंड च ठेकना होवे काफी काम कीता तानू लगता है 2 साल का जेड़ा क्लॉज है ये हटना चाहिए हां जी मेरा तो ख्याल हटना चाहिए ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਵੀ ਆ 9 ਬੋਤਲਾਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦਾਰੂ ਸਿੱਕਾ ਦਾ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਵਧੀਆ ਦਾਰੂ ਦੇਣੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਾ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣੇ ਵੇਨੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਚੱਕੇ ਵੀ ਆ ਕਈ ਪਰ ਥੱਲੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੇਠ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੀਡਬੈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਹੈ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਹਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕਲੌਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਸਪੋਜ਼ ਪੰਚਾਇਤ कोई भी लूपोल और कोई भी कारण अपने मेरा आर्डर तो सैटिस्फाई नहीं होंगे सरकार को रिप्रजेंटेशन दे सकते हैं सपोज सरकार दे विच भी कोई रिलीफ नहीं मिलता एंड दे फील एग्रीव्ड then they go to next competent authority ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਕਹੋ ਬੜਾ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿ ਆ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੂਗੀ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਟ ਆਲ ਔਰ ਨਾਟ ਇਨ ਅ ਮੂਡ ਟੂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਦ ਫ੍ਰੀ ਫਲੋ ਆਫ ਲਿਕਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 72 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਵੈਨੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੀਸੀਸੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਿਕਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਆਫੀਸਰ ਬੈਸਟ ਐਫਰਟ ਕਰਦਾ ਪਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਜੀ ਸੰਦੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ਰਾਬ ਅੱਜ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਗਲੈਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਗਲੈਮਰਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਸਟਾਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਐਡਸ ਕਰਦੇ ਆ ਪਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀਆਂ ਸੀਡੀਜ਼ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਲਾ ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਐਡੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗਲੋਸਿੰਗ ਲਾਈਟ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਸਾਈ ਗਲੈਮਰਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਕਿਤਾ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਸੀਂ ਵੇਚਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਆ ਆਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਤੋਂ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਸ ਤਾਂ ਇਹ ਰਹੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜਾ ਗਿਆ शराब तो वेच के असीं बच्चां नूं विद्या देवांगे ते उस स्टेट दा की हाल होगा फिर असीं शराब तो आमदन वधावांगे लुट दे माल चो खंड पाठ खोलण वाली गल हो जांदी है सानूं कुछ ना कुछ इहदे बारे सोचना पैणा पहले ही असीं तां सच्ची गल आ पंजाब नूं अग लगी पई है पंजाब सड़िया पिया शराब तो बाद गोलियां
ਸਮਾਇਕਾ ਭੁੱਕੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵਧੀਆ ਦਾਰੂ ਦੇ ਦਿਓ। मेडिकली की करने की लड़ है क्योंकि हम तो जो मेडिकल रिपोर्ट्स भी जो अंकड़े हस्पतालों तो आ रहे हैं वो भी दसते हैं कि सिचुएशन जी हालात बहुत गंभीर। सर एक योजी पॉलिसी बनाने की लड़ है जिद एक जनरल पॉपुलेशन जी है अवेयरनैस क्रिएट की जाए भी रिस्पोंसिबल ड्रिंकिंग ठीक है जी इट्स अ पार्ट ऑफ अवर सोसायटी आपको एक्सैप्ट करके चलना पेगा आप कही भी जमा शराब मुक्त सोसायटी नहीं हो सकती जी पूरा रिहेबिलिटेट किया जाए तो दूजी गल मैं एक होर छोटी जी कहनी चाहना जो आप कहने भी रेवेन्यू जनरेट कर दी सरकार चल दी सिर ते है कर्नाटका स्टेट एक स्टडी की गई जिथे उन्होंने पाया भी जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं उस तो वह नुकसान अबाउट 60% ज्यादा नुकसान हेल्थ जॉब एबसेंटिज्म एक्सीडेंट्स पुलिसिंग क्राइम से लगता है खर्चा होंगे जो सिर्फ अलकोहल के करके होंगे। सो ये पॉलिसी बनाने जो सोचना भी सिर्फ यही रेवेन्यू है और रेवेन्यू कोई और साधन सर जी जरा लिखर तो जो रेवेन्यू आ रहा वा वह एक छोटा जहा हिस्सा खेडों प्रमोट करने वास्ते अरकी सरकार ने रखा वा शायद इस तरह ही वह कुछ हिस्सा जी नशाखोरी निपटन वास्ते रखना चाहिए। थोड़ा सुझाव ठीक है जी असी गवर्नमेंट नूं असी थोड़ा सुझाव भेज देंगे इस दे विच कोई ये नहीं है पर मैं ये दसना चाहुंदा कि सरकार का कोई इंटेंशन नहीं है लिकर नूं बिल्कुल असी इतना बेचना ही है और लिकर नूं बिल्कुल फ्री फॉर ऑल करना है। बहुत कंट्रोल असी वेंट्स खोलते हैं पंजाब दे विच और जो भी आमदन है असी ये नहीं है लिकर आमदन नूं इनक्रीज करना एक वो नहीं है जो भी रेज करते हैं असी प्राइज इनक्रीज थ्रू असी ले रहे हैं। पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सी उदों तो यो इमेज बाहर निकल के आई सी भी वेखो पिछले साल असी 2400 करोड़ इकट्ठा किया 3200 करोड़ सो 700-800 करोड़ एरकी बढ़ रहा वा। हाँ जी प्रेस इनक्रीज ओवरऑल रेवेन्यू का फिगर दसिया बट वो 700 किवें आ रहे वो तुसी एनालिसिस नहीं किया इस करके प्रॉब्लम है। जिहड़े डॉक्टर सरा ने कहा कि एक अवेयरनेस क्रिएट करने की लोड़ है बिल्कुल उसके वास्ते एक्साइज डिपार्टमेंट की कर रही उस दे विच भी मैं ये कह रहे हैं मैं तो ये तैयार है एक्साइज डिपार्टमेंट पूरा तैयार है सिविल सोसाइटीज नाल मिलकर कम करें जो भी इलीगल शराब बेचते हैं और इलिसिट डिस्टिलेशन पिंडा विच कोई भी होंगे वो साढ़े नोटिस दे विच लेके आवे असीं सख्त एक्शन लेवांगे। तालमेल है तुहाडी धार्मिक संस्थावां नाल या एनजीओ दे नाल जदों भी असी एक्साइज पॉलिसी बनाते हर एक साल एक्साइज पॉलिसी असी फ्रैश बनाते उस वेले अखबार दे विच असी काफ़ी वड्डा इश्तिहार देंदे हैं साढ़े वैबसाइट भी दे विच भी पूरा मैनशन करते हैं असी लोगों तो असी सजेशंस लेंदे हैं लोग सानू स्पेसिफिकली दसदे हैं इस पिंड दे विच इत्थे ठेका नहीं खोलना असी एक्सेप्ट भी करते हैं शिफ्ट करन दा बेसिकली लोगों नू मेरे ख्याल जानकारी देण दी जागरूकता लियाउण दी लोगों दे विच हो रहा तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद तुसी इस डिस्कशन च समा बड़ा घट है इस करके सानू डिस्कशन बंद करनी पैणी है। पंजाब समेत ज़्यादातर राज्यां दी आमदन शराब उत्ते लगन वाली एक्साइज ड्यूटी उत्ते निर्भर है अजिही स्थिति विच नशाबंदी शायद मुश्किल है। हाँ शराब की वधदी लत नूं रोकना जरूरी है इस दिशा विच सब तो पहला कदम उन्हां पंचायतों तो शराब के ठेके हटाना है जिथे इन्हां खिलाफ मते लियांदे गए ने। इस दे नाल ही असीं अज दा प्राइम खत्म करते हाँ कल फिर मिलांगे एक नवें मुद्दे नाल। नमस्कार सत श्री अकाल।